कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में किसान महापंचायत हुई। इस महापंचायत में काफी भीड़ देखने को मिली। ये महापंचायत एक बड़ा मुद्दा था, तो इसे मीडिया द्वारा भी कवर किया गया। तो आज के इस वीडियो में बात मीडिया की डिबेट्स की करते हैं, जो किसान महापंचायत पर हुई, और देखते हैं किस मीडिया चैनल ने क्या जानकारी दी। सबसे पहले बात करते हैं उस मीडिया की जो सरकार का बचाव करता है। जी न्यूज पर किसान महापंचायत पर डिबेट हुई। देखते हैं इस डिबेट में एंकर किसकी तरफदारी करता नजर आ रहा है। कृषि कानून को लेकर कुछ मुट्ठी भर किसान जो पिछले 9 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, अब उनकी बौखलाहट बढ़ रही है। कल पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई। कहने को तो महापंचायत किसानों के लिए थी और किसानों के द्वारा बुलाई गई थी, लेकिन उस मंच से किसानों के मुद्दों पर कम और राजनीतिक बातें ज्यादा। किसान नेता राकेश टिकैत जब किसान महापंचायत को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने मंच से धार्मिक नारेबाजी की थी। उन्होंने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाया। राकेश टिकैत यहां आए तो थे किसानों से बात करने, लेकिन उन्होंने मंच से दंगों का जिक्र छेड़ दिया। राकेश टिकैत दरअसल सरकार के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। किसान महापंचायत के मुद्दे पर न्यूज 18 पर भी डिबेट हुई। देखते हैं इस डिबेट में एंकर सवाल किससे कर रहा है और क्या जानकारी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाहरी हैं। इन्हें यूपी से जाना चाहिए। अब की बार बीजेपी सरकार पर वोट की चोट जरूरी है। ये बातें किसी बीजेपी विरोधी राजनीतिक मंच से नहीं, बल्कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में की गई। यानी धीरे धीरे परत खुल चुकी है। किसानों के नाम पर खड़ा हुआ आंदोलन पूरी तरह से बीजेपी विरोध की राह पकड़ चुका है। महापंचायत के बहाने सियासी समीकरण साधने की कोशिश हो रही है। इतना ही नहीं, राकेश टिकैत की महापंचायत में मजहबी नारों की भी जमकर गूंज सुनाई दी। सवाल यह है कि क्या आंदोलन के नाम पर कोई बड़ा प्रयोग चल रहा है? तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। महापंचायत का एजेंडा सियासी प्रोपेगेंडा, यानी कुल मिलाकर ये जो महापंचायत थी ये बीजेपी विरोधी पंचायत ज्यादा लग रही थी, इसमें किसानों की कम बात हुई। इसके अलावा बाकी चैनल्स की डिबेट्स भी देख लेते हैं जो किसान महापंचायत पर हुई, और देखते हैं इन डिबेट में सवाल किस पर उठाए जा रहे हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से पूछता है, मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है। जब कवि सुदामा पांडे धूमिल ने ये लाइनें लिखी होंगी तो शायद ही सोचा होगा कि वर्षों बाद भी यही स्थिति है। आज वो कौन है जो किसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकार या फिर वो किसान संगठन जो महापंचायत के द्वारा शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, या उनके पीछे कुछ राजनीतिक शक्तियां? दरअसल मुजफ्फरनगर में मोदी योगी विरोध का प्रयोग हो रहा है। किसानों के नाम पर अब खुलकर पॉलिटिक्स हो रही है। मंच से राकेश टिकैत ने कहा मोदी योगी पर वोट की चोट करनी होगी, दोनों को जाना होगा। तो टिकैत की ये बातें आप सुनिए, और इससे आपको इस इलाके को जिसे जाट लैंड कहते हैं, यहां की 120 सीटों का एजेंडा 100% क्लियर हो जाएगा। अब बात उस मीडिया की करते हैं जो अक्सर सरकार की गलत नीतियों पर सवाल उठाता है। पहले बात वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की डिबेट की करते हैं। रवीश अक्सर अपनी वीडियो के जरिए जानकारी देते नजर आते हैं। देखते हैं किसान महापंचायत पर वे क्या जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान आंदोलन के नेता अगर चाहते हैं कि प्रधानमंत्री उनसे बातें करें, तो उन्हें महापंचायत का आयोजन बंद कर देना चाहिए। उन्हें किसान महापंचायतों की जगह कबड्डी, खो खो, हॉकी का आयोजन करना चाहिए, ताकि इन खेलों में विजय प्राप्त करते ही विजयी किसान नेताओं को प्रधानमंत्री का तुरंत फोन आ जाए और फिर उस बातचीत का वीडियो न्यूज चैनलों पर भी चलने लगे। यह प्रसंग इसलिए आया कि खिलाड़ियों के लिए सुलभ प्रधानमंत्री किसानों के लिए कितने दुर्लभ हो गए हैं। 9 महीने से अनगिनत महापंचायतों, धरना प्रदर्शनों और किसान संसद के आयोजन के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की किसान नेताओं से बात नहीं हुई, जबकि उन्होंने कहा था कि वे बस एक कॉल की दूरी पर हैं। कभी कुछ किसानों का आंदोलन तो कभी बड़े किसानों का आंदोलन बताकर इस आंदोलन को रिजेक्ट करने के बाद किसान हर बार अपनी रैलियों के जरिए बता रहे हैं कि उनका आंदोलन किसका है। किसान महापंचायत को लेकर अपनी वीडियो में बात वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने भी की, और उन्होंने अपनी वीडियो में किसान महापंचायत को बदनाम करने की साजिश पर कुछ सवाल भी उठाए। कल जब राकेश टिकैत मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि एक जमाना था जब हर हर महादेव और अल्लाह अकबर के नारे एक साथ लगाए जाते थे, और लोग उस बात को भूले नहीं हैं। मैं आपको बतलाऊंगा कि राकेश टिकैत ने जब मंच पर खड़े होकर अल्लाह अकबर के नारे लगाए तो भीड़ ने जवाब दिए हर हर महादेव।
भारतीय जनता पार्टी इसी एकता से डरती है, और यही वजह है कि आने वाले 6 से 7 महीनों में वो पुरजोर कोशिश करने वाली है कि किसी भी कीमत पर इस एकता को तोड़ा जाए। अब मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ये तस्वीर देखिए। योगेंद्र यादव ने यह ट्वीट किया है, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं हिंदू भी है, मुसलमान भी है और सिख भी है। यही तो मेरे भारत की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी इसी तस्वीर से डरी हुई है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो धर्म के आधार पर लोगों को बांट नहीं पाई तो किसानों के आंदोलन के चलते उससे चुनावों में जबरदस्त नुकसान होगा। किसान महापंचायत के मुद्दे पर अपनी वीडियो में बात वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी की। देखते हैं वे इस मुद्दे पर सवाल किससे कर रहे हैं। लेकिन कहावत मशहूर है, अगर मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड को भर दिया जाए तो फिर सत्ता पलट जाती है, और शायद यही वजह है कि नाम महापंचायत जरूर है लेकिन इस महापंचायत में राजनीतिक मुनादी खुले तौर पर किसानों ने कर दी है। यह मुनादी लखनऊ की गद्दी के लिए खतरा है, यह मुनादी 2024 में दिल्ली की गद्दी के लिए खतरा है। यानी सियासी तौर पर सीधे कहा गया है, 3 कानून और MSP को लेकर अगर अब भी लाइन पर नहीं आए तो फिर मिटा दिए जाओगे। क्या वाकई इतनी बड़ी ताकत किसानों की है या सिर्फ मुजफ्फरनगर की इस महापंचायत को देखकर इस बात की आस और उम्मीद कोई लगा सकता है कि इस देश की राजनीतिक सत्ता को पलटने की ताकत इन किसानों में आ गई है, या फिर सिर्फ ये एक मुनादी भर है, एक ऐलान भर है, या फिर एक ऐसा एहसास है जिसको पहली बार किसान, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो सीमांत किसान हो, चाहे वो बड़ा किसान हो, हर कोई इस देश में समझ रहा है। आपने दोनों तरफ के मीडिया को देखा, आपको किस मीडिया एंकर की बात सही लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।